हुई, नहीं तो बैंकों का साख ही खत्म हो रहा था। अरे ये बात सिर्फ यस बैंक तक सीमित नहीं रह गई थी, लोगों के मन में मैंने बैंकों को लेकर के एक संदेह पैदा हो गया था। लोग जो है नगदी अपना बैंक में मैंने जमा कराने में डर रहे हैं, आज के दिन भी डर रहे हैं। तो ये अच्छा हुआ कि सरकार ने मैंने एक समझदारी वाला कदम उठाया और उसके जो भी कस्टमर थे बैंक के, उनकी जो सारी सुविधाएं थी वो सब बहाल हो गई, पहले जैसी हो गई। ये अच्छी बात है, इसका स्वागत करते हैं हम। देखिए मैंने हमारे यहाँ उस हिसाब से आप देखिएगा, दुनिया के अन्य देशों से अगर तुलना किया जाए तो भारत की स्थिति और जगह से बेहतर है। अभी तक 3 या 4 जो है डेथ का रिपोर्ट हमारे यहाँ है, सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र में का केस रिपोर्टेड हुआ है, जहाँ वहाँ भी 37, 38, 40 के नीचे लोग हैं, लगभग 40,000 लोग जो है क्वारंटाइन है। लेकिन वो उसमें से मैंने अधिकांश लोग जो है वो नेगेटिव उनका टेस्ट जो है साबित हो रहा है, और यहाँ ठीक होने की भी मैंने खबरें आ रही हैं, जिससे सबसे पहले केरल में ही ठीक हुआ। और सबसे बढ़िया ढंग से अगर कोरोना का कोई मुकाबला कर रहा है तो उसमें केरल जो है माने अग्रणी है। केरल में ही पहला केस पकड़ा भी गया था और केरल में ही इससे ही खबर आई कि नहीं साहब वो कोरोना ठीक भी हो गया। तो दुनिया भर में एक दहशत का माहौल बना हुआ है कि ये इसका नतीजा जो है क्या होगा। जिस जहाँ और हम लोगों का जो है तीसरी दुनिया के जो देश हैं वहाँ और भी ढीला ढाला सब कुछ है, तो यहाँ कैसे क्या होगा, किस ढंग से हम लोग मुकाबला करेंगे। यहाँ जो मैंने आइसोलेट किया जा रहा है, रखा जा रहा है, वहाँ भी प्रॉपर ढंग से इंतजाम नहीं है। हमारे यहाँ पटना में मैंने रिकॉर्ड पर लोगों ने कहा कि नहीं साहब हम लोगों को खाना फेंक दिया जाता है, कोई पूछता नहीं है, जहाँ तहाँ जो है पैखाना गंदा है। सरकार को इन चीज़ों पर भी देखना चाहिए कि आप अलग कहीं आइसोलेट करके पेशेंट को रख रहे हैं तो उसको कम से कम कायदे की सुविधा दीजिए। अब देखिए अजीब है, हम तो सुना कि इंटरनेशनल कोर्ट में भी लोग आया, वहाँ भी उन लोगों ने अपील किया, और एक ने कहा है कि हम तो वहाँ दिल्ली में थे ही नहीं जिस समय की ये घटना है, जिस दिन की घटना है हम वहाँ थे नहीं। तो देख लीजिए किस किस ढंग से जो वकीलों का लीगल माइंड है वो हमारे यहाँ जो भी थोड़ा बहुत जो मैंने लेखुना है, थोड़ा ढीलापन है, उसका फायदा उठा करके किस ढंग से खेल किया जा सकता है उसका हम लोग नमूना देख रहे हैं। अब ठीक है, अब इंतजार किया जाए, उपाय क्या है, जब कोठी कह रहा है कि सब कुछ निष्पादन करने के बाद ही जो है इसके बारे में फैसला होगा तो इंतजार करना चाहिए। अब इसमें तो लोगों ने प्लीड किया कि साहब मैंने शिवराज सिंह चौहान के तरफ से बहस हुई, मुकुल रोहतगी ने बहस किया कि जो जो 16 बगावती MLA हैं 22 लोगों ने बगावत किया था, 6 का इस्तीफा मंजूर हो गया, कि उनको यहाँ कोर्ट में बुलवा करके उनसे पूछ लिया जाए, या कर्नाटक हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनको भेज करके पूछवा लिया जाए कि वो क्या चाहते हैं। तो दोनों में से किसी का इजाज़त जो है नहीं दिया। उधर स्पीकर कह रहे हैं, और स्पीकर ठीक कह रहे हैं, कि जो आप सदस्यता से, सदन के सदस्यता से आप इस्तीफा दे रहे हैं तो आपको वहाँ शारीरिक रूप से स्पीकर के सामने उपस्थित होकर के इस्तीफा देना है और उनके सामने दस्तखत करना है। अभी स्पीकर का कहना यह है कि उनका जो इस्तीफा पत्र है वो उन्होंने स्वेच्छा से दस्तखत किया है या दबाव में दस्तखत किया है, ये हम कैसे जानेंगे। तो हम उनकी उपस्थिति इसीलिए चाहते हैं कि ये पता चल सके कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है तो मंजूर होगा। तो ये उनका दलील है। अब देखिए इसमें कोर्ट क्या करता है, अब पता नहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने किस आधार पर खारिज किया। लेकिन दिग्विजय जी सुबह जो है बेंगलोर पहुंचे, और जहां वो विधायक ठहरे हुए हैं वहां उनसे मिलने की उन्होंने कोशिश की, पुलिस ने इजाज़त नहीं दिया, खींचतान हुआ, थोड़ी देर के लिए डिटेन किए गए। उधर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो उन विधायकों का वीडियो रिलीज कर रही है कि नहीं साहब हम लोग नहीं मिलना चाहते हैं। तो ये जो खेल चल रहा है, देखिए कोशिश उस तरह एक शिवराज सिंह चौहान के तरफ से हो रही है कि हम इनको पटक ही दें, और इधर कमलनाथ जी के तरफ से कोशिश हो रही है कि हम जो है अपनी सरकार को बचाएं, और वो भी सारा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके हाथ में भी जो भी लीगल पॉइंट है उनके पक्ष में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बीच में तो पंच सुप्रीम कोर्ट बना ही हुआ है, अब हम सब लोगों को इंतजार करना चाहिए, अब सबका जांच लेकिन हो जाना चाहिए।
वो जवान जिस यूनिट का था उस यूनिट में सब लोगों की जांच हो जानी चाहिए। अब जो बंबई में देहांत हुआ उसके बारे में खबर यह मिल रही है कि एक महिला अपने बेटे के साथ बंबई से पुणे गई टैक्सी से, वो बुजुर्ग आदमी उसी जिनकी मौत हुई वो उसी टैक्सी का इस्तेमाल किए, बाद में दो और पैसेंजर जो है उसका इस्तेमाल किए, उन दोनों में भी पॉजिटिव पाया गया और जो ड्राइवर है उसमें भी पॉजिटिव पाया गया। ये तो गजब है भाई रोग। तो ऐसी हालत में वो जिस यूनिट का जवान है उस यूनिट में सब लोगों के जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रोग फैल रहा है एक से दूसरे में जा रहा है उसमें कौन ठीक है कि उस जवान के जरिए और दूसरे तीसरे जवानों में भी ये फैला हो, तो इसलिए जांच करना चाहिए।